हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेश। देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बिल्कुल अलग तरीके का डोरमेट बनाएंगे। उसके लिए देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये 1 2 3 4 5 पांच कली मैंने बना ली है, लेकिन जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। शुरू से जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही यहाँ से बनाकर आपको दिखाऊंगी कि ये डोरमेट हमने कैसे बनाया। तो देखिएगा, उसके लिए देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 फंदे डाले, 2 4 6 8 10 10 फंदे ये डाले, 10 फंदे हमने डाले रेड कलर के और 10 फंदे डाले येलो कलर के। तो उसके बाद बिल्कुल जैसे शुरू से स्टार्ट किया था उसी तरह से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। देखिएगा, येलो पट्टी आगे की तरफ ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से घुमाएंगे ऐसे, और एक फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, एक फंदा बढ़ाया और इस तरह से वापस पलट जाएंगे। देखिएगा, ये देखिएगा, तीन कलर में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बिल्कुल अलग तरीके का डोरमेट बनाएंगे। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उससे कहीं ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिएगा, इस तरह से ब्लू पट्टी को आगे की तरफ करेंगे और रेड फंदे बना लेंगे। तो देखिएगा, इस तरह से क्रॉस करवाते हुए बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बनाएंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे, 2 फंदे छोड़ देंगे पीछे की साइड, फर्स्ट वाला फंदा इस तरह से उतारेंगे और देखिएगा सीधी साइड से जो फंदे जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा, रेड वाले फंदे रेड कलर से बनाएंगे और येलो वाले फंदे येलो कलर से बना लेंगे। तो देखिएगा, पीछे की साइड ले लेंगे रेड पट्टी को और येलो पट्टी ले लेंगे आगे की साइड, ये ब्लू पट्टी, और इस तरह से बना लेंगे। बहुत इजी है, आसानी से बना लेंगे बिगनर भी से। ये पुरानी चुन्नी और साड़ी का बहुत ही अच्छा सा यूज है, और जो है डोरमेट इतना सुंदर बन के आएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। देखिएगा, पुरानी चुन्नी हर घर में आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने बना लिया है। अब देखिएगा, वापिस अब येलो कलर लगाएंगे, इस तरह से येलो पट्टी को इस तरह से घुमाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिएगा, इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे हम इस तरह से। देखिएगा, आप इस तरह से भी फंदा बढ़ा सकते हैं। इस यहाँ पर देखिएगा, ये लास्ट वाला फंदा सीधा बनाया था जो हमने, अब देखिए तरह से इस पट्टी को यहाँ पे करेंगे और ऐसे घुमा लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इस पट्टी को जब हम इस साइड करेंगे तो ये हमारा और सब भी फंदे देखिएगा, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 10 फंदे हमारे पहले थे, 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। और देखिएगा, इस येलो पट्टी को आगे ले लेंगे और 2 3 4 5 6
तो वहीं से यहीं से पलट जाएंगे, दो फंदे पीछे की साइड फिर से छोड़ देंगे। देखिएगा जो ये धागे हैं ये, क्योंकि ये येलो पट्टी है और ये इसमें इसीलिए मिक्स हो जाते हैं, इन्हें हम बाद में बनाने के बाद आसानी से काट देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट वाला फंदा उतार लेंगे, इस तरह से, और रेड पट्टी पीछे कर लेंगे। और येलो पट्टी आगे की तरफ ले लेंगे। जो फंदे सीधी साइड जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए हम ब्लू कलर लगाएंगे, एक फंदा सिलाई के नीचे से घुमाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 फंदे बनाए ब्लू कलर से, और ब्लू पट्टी आगे कर लेंगे इस तरह से। और 1, 2, 3, 4 चार फंदे बनाए, दो फंदे छोड़ देंगे पीछे की साइड। फर्स्ट वाला फंदा उतार लेंगे और इस सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस पट्टी को पीछे करेंगे, ब्लू पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से देखिएगा लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर येलो कलर लगा लेंगे, उसके लिए देखिएगा येलो कलर से इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे सिलाई के नीचे से घुमा के, और यहाँ पर 3, 4, और यहाँ पर हम दूसरी पट्टी देखिएगा इस तरह से इस पट्टी को इसके अंदर फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इस तरह से दबा लेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिएगा अब देखिएगा येलो पट्टी आगे ले लेंगे, 1, 2 दो फंदे बनाएंगे और वापस यहीं से लट जाएंगे। इस फंदे को उतार लेंगे, रेड पट्टी पीछे येलो पट्टी आगे की तरफ लेंगे, क्रॉस करवाते हुए देखिएगा इस तरह से। ये देखिएगा लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। अब देखिएगा यहाँ पर हम
येलो लगा लेंगे, ब्लू लगा लेंगे, इस तरह से पट्टे को घुमाएंगे इसे। ये देखिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 फंदे बढ़ा लिए। और देखिएगा ये 2 फंदे हम रेड वाले छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। उससे पहले इस रेड पट्टे को ब्लू के नीचे से निकाल देंगे ताकि हमारा यहाँ पर होल ना बन के आए। तो अब देखिएगा, और इस रेड पट्टी को इस तरह से टाइट कर देंगे, इस तरह से देखिएगा, और इस पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड लपेट लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये देखिएगा लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से जब हम सीधा फंदा बनाए थे तो ये फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। अब देखिएगा हम यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे और येलो कलर लगा लेंगे। देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 2 फंदे छोड़ देंगे इस तरह से। देखिएगा फिर इस फंदे को उतार लेंगे, सीधी साइड से कोई भी फंदा चेंज नहीं करना है। इस तरह से जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। फिर से देखिएगा यहाँ पर हम एक फंदा घटाएंगे और ब्लू कलर लगा लेंगे। देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 फंदे छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिएगा लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ पर हम येलो कलर लगा लेंगे। तो उसके लिए देखिएगा 2 का 1 बनाएंगे, 3, 4, 5, 6 और वापस यहीं से पलट जाएंगे। बहुत ही जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है और बहुत ही आसान है बनाना। तो देखिएगा और इतना सुंदर लगेगा बनने के बाद। आपके पास जो भी पुरानी चुन्नी है जिस कलर से भी है उसी में से आप बना सकते हैं। देखिए जो मैंने ये 10-10 फंदे डाले हैं, आप यहाँ पर 20-20 फंदे का भी बना सकते हैं अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहें। लेकिन ये 10-10 फंदे में भी काफ़ी बड़ा बन के आएगा। तो यहाँ पर फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे और देखिएगा वापिस यहीं से पलट जाएंगे। 2 फंदे छोड़ेंगे पीछे की साइड, तो देखिएगा 2, 4, 6, 8 और हाँ इस फंदे को उतार लेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। फिर से देखिएगा 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे येलो कलर से।
सभी फंदे देखिएगा। अब हम यहाँ पर येलो कलर से बुन देंगे। ये जो दो दो करते हुए फंदे हमने छोड़े थे, इन फंदों को भी हम येलो कलर से बना देंगे। और ये रेड वाले फंदे रेड कलर से बनाएंगे। इस तरह से देखिएगा, लास्ट तक सभी फंदे बना लेंगे ऐसे। तो देखिएगा ये हमारी, जैसे हमने इस कली को बनाया है इसी तरह से हम पूरे डोरमेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा जैसे इस कली को बना के मैंने दिखाया है आपको, इसी तरह से पूरा डोरमेट बनाते हुए जाना है हमें। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बनाने के बाद आगे दिखाते हैं।